हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक बेबी शावर थीम का केक बनाने वाले हैं, उसके रिलेटेड आज हम बातें करेंगे। बेबी शावर थीम केक कैसे बनता है और वो क्यों बनता है, उसका नाम बेबी शावर थीम कैसे है, ये सब आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कर देना गाइस, क्योंकि मैं रोज़ नई नई थीम के वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फिर आप कभी भी वीडियो ना चुके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। तो हमने 200 ग्राम का मोल्ड लिया है, तो उसमें हम चॉकलेट ट्रफल है, तो ये एक केजी में बन जाएगा ये। तो फिर हम केक को फटाफट लेयर करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, केक क्लियर हो चुका है, तो हम इसको थोड़ी देर के डीप फ्रीज में रख देंगे, उसके बाद आइसिंग करेंगे। तो गाइस, डीप फ्रीज में थोड़ी देर रख दिया है था, फिर इसके बाद हम आइसिंग करेंगे, क्योंकि डीप फ्रीज में इसलिए हम रखते हैं क्योंकि केक थोड़ा सा सेट हो जाएगा, और जब आइसिंग करेंगे तो ये कहीं पर भी हिलेगा डुलेगा नहीं, इसलिए डीप फ्रीज में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ा सा सेट होने के लिए। तो इसको अब जल्दी जल्दी से आइसिंग कर लेते हैं, फिर डेकोरेशन करेंगे, फिर हम शूज़ बनाएंगे। आगे देखते रहिए आप पूरा वीडियो। सो गाइस, केक पूरा आइसिंग हो चुका है, अब इसको शीट के ऊपर रखते हैं। फिर शीट के ऊपर रखने के बाद हम अब चलते हैं अपनी शूज़ की तरफ। तो हम फोंडन का शूज़ बनाएंगे, तो देख लीजिए आप फोंडन का शूज़ कैसे बनता है। तो हमने एक तो ब्लू फोंडन ले लिया और एक वाइट फोंडन लिया। वाइट फोंडन से होगा अपना जो शूज़ का जो नीचे का पार्ट है उसको हम वाइट फोंडन से बनाएंगे, और जो लड़का है इसलिए तो ब्लू फोंडन ले रहे हैं, और पिंक का भी एक शूज़ बनेगा क्योंकि गर्ल बॉय दोनों एक एक पैर का शूज़ बनेगा, तो इसलिए हम पहले बॉयज़ का शूज़ बनाते हैं। तो बॉयज़ के शूज़ के लिए पहले आप तो ये नीचे का बेस ले ही लेना, फिर ऊपर से इसको जो ब्लू कलर का हम डिज़ाइन करेंगे, तो वो आप ज़रूर देखते रहो कैसे कैसे क्या डिज़ाइन करता हूँ मैं। तो आई होप आप शूज़ बनाना सीख जाओगे फोंडन का, और ये बहुत ईजी है शूज़ बनाना। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको सिखा दूँगा कैसे शूज़ बनाना होता है, मैं बता दूँगा आपको। तो फिर आप देखते रहिए कि शूज़ कैसे बनता है। तो फिर गाइस, मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो आप जल्दी जल्दी देखते रहिए। तो आप जब एक पैर का वो काट लेंगे ना शूज़ का बेस, तो फिर उसी को ही ऊपर रखे दूसरे के काट लेना उसके बराबरी, क्यों अगर आप अलग से काटेंगे तो फिर छोटा बड़ा होने के चांसेस हैं, तो आप ऐसा काटेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा। सो गाइस, आपको अभी ये क्वेश्चन होगा कि मैंने इसके ऊपर ये छोटा सा फोंडन का गोली बना के क्यों रखा है, तो ये आपको आगे ही पता चल जाएगा क्यों रखा था। सो गाइस, अभी आपको पता चल गया नहीं क्यों लगा था, ये लगाया था हमने थोड़े सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये जूते शूज़ का फ्रंट साइड बन रहा है ना, तो इसके सपोर्ट के लिए हमने ये लगाया था। तो अभी देख पाना इसका जो बैक साइड है शूज़ का, तो वो भी हम अभी डेकोरेट कर रहे हैं, तो आप देखते रहिए कैसे कर रहे हैं। सो गाइस, सब कुछ लगाने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा शूज़, और हमने इस पे साइड पे थोड़ा रोप लगाया था, तो जल्दी जल्दी थोड़ा हमने कर लिया था। देखिए, ये फाइनली ऐसा रेडी होगा शूज़। तो आपको शूज़ कैसा लगा आप ज़रूर बताना। तो हमने इसके जैसे वो शूज़ भी बना लिया था, पिंक शूज़ भी हमने बना के पहले से रख दिया था। तो अब हम केक के ऊपर जो डॉट्स लगेंगे छोटे छोटे, तो वो पोल का डॉट्स बोलते हैं हम, तो हम पोल का डॉट्स काट रहे हैं, फिर केक को डेकोरेशन करना है। तो हमने जो डॉट्स काटे थे उसको केक के नीचे लगा रहे हैं। देखिए, ये थीम है, नीचे से पूरा राउंड होगा, फिर उसके बाद ऊपर दो शूज़ रखेंगे, एक पिंक एक ब्लू। देखिए, ये शूज़ जो रेडी हो गया है हमारा, ये शूज़ लेके आ गए हम। अब एक पहले रखते हैं पिंक शूज़ रखते हैं, फिर उसके पास में ब्लू शूज़ रखेंगे। ये पिंक शूज़ मैंने बनाया था, देख लीजिए दोनों शूज़ कैसे लग रहे हैं। फिर जो हमने जो पोल के डॉट्स थे, पोल के डॉट्स जो काटे थे ना, तो हम वो पोल के डॉट्स अभी इस पर लगाएंगे, देख लीजिए आप पोल के डॉट्स लगाने के बाद कैसा लग रहा है। तो गाइस, बेसिकली ये केक प्रेगनेंसी में बनाया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी गुड विशेस के लिए केक बनाया जाता है, क्योंकि उस टाइम तो आपको पता ही है कितना पेन वेन होता रहता है गर्ल्स को, तो इसलिए ये केक बनाया जाता है थोड़ा हैप्पीनेस के लिए, और
मतलब अच्छे बात के लिए, एक गुड विशेस के लिए केक बनाया जाता है। तो हम इस पे अब नाम लिख रहे हैं, ही एंड शी, ही और शी कान वेट टू सी। तो आपको इस मैसेज का मतलब तो पता ही होगा क्या है। तो ये मैसेज हम इस पे लगाएंगे, फिर उसके बाद ये केक एंड हो जाएगा। इसको पूरा देखने के लिए वीडियो को थैंक यू गाइस। तो आप कैसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपने सीख भी लिया कि शूज़ कैसे बनते हैं, और आपको ये भी पता चल गया। तो अगर कोई गर्भवती महिला है ये वीडियो देख रही हो, तो जल्दी से जल्दी ये ऐसा केक बना के आप खा लीजिए, बहुत इन्जॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।